असाइनमेंट कर रहे हैं, और रेडॉक्स के अंदर दोनों कॉन्सेप्ट हमारे इन्वॉल्व हैं, पहला ऑक्सीडेशन नंबर और दूसरा इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स को ही आगे हम ले जाके टाइट्रेशन भी बोलते हैं। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहला हमारे पास दिया हुआ है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4 इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट व्हेन इट कन्वर्टेड टू। तो यानी ये हमारे पास किस पॉइंट का क्वेश्चन हो गया, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट्स का हो गया। हाफ कब होगा, यानी यहां पर हमें दिया जा रहा है एन फैक्टर कितना होगा, टू। देखिए आप जानते हैं इक्विवेलेंट वेट यानी कि इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, और एन फैक्टर अपने आप में क्या होता है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ या ना? तो जब चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे पास हो रही है तो हमें यहाँ देखना पड़ेगा द इक्विवेलेंट वेट ऑफ MnSO4, यानी Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस टू। इज हाफ ऑफ इट्स मॉलिकुलर वेट व्हेन इट इज कन्वर्टेड टू, किसमें कन्वर्टेड हो रहा है, तो वहां क्या होनी चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लस फोर। प्लस फोर होनी चाहिए यानी कहीं ना कहीं आपका Mn प्लस MnSO4 जिसमें प्लस टू है वो किसमें चेंज होना चाहिए, Mn प्लस फोर में। यानी इसका आंसर क्या जाएगा आपका, जल्दी से बताएं, बी, बी फॉर बॉम्बे। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर टू, अब थोड़ा सा स्पीड हम पकड़ सकते हैं क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया है फर्स्ट से। गिवन द इक्वेशन हमें दिया गया है इस तरह की, हाउ मेनी मोल्स ऑफ S2O8-2 आयंस आर रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn+2। देखिए हम एक बात ध्यान रखेंगे, यहाँ पर कोई भी केमिकल रिएक्शन हो उसके अंदर जितनी भी तरह के रिएक्टेंट या प्रोडक्ट है उनके इक्विवेलेंट क्या होते हैं, सेम। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं एन इक्विवेलेंट, दोनों के इक्विवेलेंट सेम होंगे। पहला कौन है, S2O8, यानी कि इसको हम बोलते हैं ये हो गया एक तरह से हमारा पर डाई सल्फ्यूरिक एसिड का आयन, तो इसको क्या बोलेंगे, पर डाई सल्फेट आयन। क्या हो जाएगा, पर डाई सल्फेट आयन, तो ये या परोक्सी डाई सल्फेट आयन। और इसको किसकी इक्विवेलेंट बनाना है हमारे को, इक्विवेलेंट ऑफ Mn+2 के, दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे, सेम। अब ये बताइए इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, और यहां पर भी क्या होगा, मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। कोई दिक्कत है आपको? तो मोल कितने हैं पर डाई सल्फेट सल्फेट के आपके पास, आप देखिए हमें यही पूछे जा रहे हैं, हाउ मेनी दिस, मान लो ये आंसर एक्स है, इसका एन फैक्टर कितना है, तो पर डाई सल्फेट में कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है, टू का, तो एन फैक्टर कितना है, टू। और Mn+2 के कितने मोल दिए जा रहे हैं, वन, और इसका एन फैक्टर कितना है यहाँ पर, फाइव। तो एक तरह से एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 5/2, जो कि क्या बनती है, 2.5, यानी आंसर क्या जाएगा, सी। इस तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक क्वेश्चन और है, ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml 0.1 m FeSO4 वाज ट्राइट्रेटेड विद KMnO4 सॉल्यूशन इन एसिडिक मीडियम, द अमाउंट ऑफ KMnO4 यूज विल बी। तो देखिए यहां पर हमारे को वापस एक टाइट्रेशन है, दोनों के इक्विवेलेंट सेम करने, किन दोनों के इक्विवेलेंट सेम करने, इक्विवेलेंट ऑफ किसके, FeSO4 के, और दूसरा कौन है जिसके इक्विवेलेंट सेम करने हमें, KMnO4, बोलो यस और नो। तो जब आप FeSO4 के इक्विवेलेंट करेंगे तो उसके मोल कितने हैं, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम, मोलरिटी है 0.1, वॉल्यूम है 10/1000, क्योंकि इसको लीटर में कन्वर्ट करना आपके लिए जरूरी है। अब आगे ये इसके हैं, और FeSO4 के का एन फैक्टर कितना होगा, वन। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ये प्लस टू में है और ऑक्सीडाइज होकर ये क्या जाएगा, प्लस थ्री में। तो प्लस टू से अगर कोई चीज प्लस थ्री में चेंज होती है तो चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, वन, एन फैक्टर क्या रहेगा, वन। अब बात आती है MnSO4 के कितने मोल आएंगे वो हमें निकालने, तो मान लीजिए वो एक्स मोल आएंगे मल्टीप्लाई बाय उसका एन फैक्टर कितना है, फाइव। MnSO4 का याद रख लीजिए किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में एन फैक्टर आपको एसिडिक मीडियम में क्या दिखेगा, फाइव, हम पढ़ भी चुके हैं। तो बताइए एक्स की वैल्यू क्या होगी, मोल की, एक्स की,
और यहां पर ये 0.1 10, 1 मिलीमोल यानी 1/5, ये 10^-3, इसको मैं क्या बोल दूंगा, मिलीमोल, 1/5 मिलीमोल होंगे। अब जिस भी ऑप्शन में 1/5 मिलीमोल आ रहा है वही आपका आंसर होगा। क्या 5 ml 0.5 ये 1/5 मिलीमोल आ रहा है? नहीं, ये कितना आ रहा है, 1/2। समझ में आ रहा है? गलत है। क्या ये आ रहा है? नहीं, ये आ रहा है नहीं, ये मुझे दिखाई दे रहा है, हाँ 0.2, 0.2 का मतलब 1/5 मिलीमोल। बोलो यस और नो, तो आंसर क्या जाएगा इसका, डी, इसमें भी 1/5 मिलीमोल है इसके। तो इसका मतलब इसके एक से ज्यादा आंसर हो सकते थे, हाँ, जहां जहां दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 1/5 का मतलब क्या है, 0.2 मिलीमोल आ जाता, वो आपका आंसर हो जाता। जहां जहां आपका 1/5 यानी 0.2 आंसर आ रहा है, यहां एक ही आ रहा है ऑप्शन में, तो आंसर आपका क्या होगा, एक ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। NH2OH रिएक्ट्स विद फेरिक सल्फेट एज दिस। हमारे पास पूछा जा रहा है कि NH2OH का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा इस पूरी रिएक्शन में, और आप अच्छे से जानते हैं इक्विवेलेंट वेट जो आपने मेरे से पढ़ा है, इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं, वेट इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या पढ़ा है आपने, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। मॉलिकुलर वेट क्या है यहां पर, मॉलिकुलर वेट ही है, और एन फैक्टर क्या दिखाई दे रहा है आपको, NH2OH के लिए, NH2OH के लिए एन फैक्टर निकालना है आपको। क्या है यहां पर, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर जाएगी, वो निकालोगे, फिर वो किस फॉर्मेट में चेंज हो रही है वो आप निकालोगे, तो आपका एन फैक्टर निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों कई बार मुझे अपनी अप्रोच आती है जो बहुत फास्ट वर्क करती है। फॉर एग्जाम्पल Fe यहां पर कितना में चेंज हो रहा है, +3 से कितना चेंज हो रहा है, +2, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चार्जेस चेंज हो रहा है, एक का, एक का हो रहा है पक्का, तो 4 मोल के लिए कितना होगा, 4 का। यानी ये जैसे ही किसी का भी एन फैक्टर निकाल दिया और उसको उसी के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एन फैक्टर रिएक्शन का आ जाता है, एन फैक्टर रिएक्शन का आ जाता है, उसमें कोफिशिएंट का डिवाइड कर दो इसका 2 का, तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा, कितना एन फैक्टर फिर, 2। तो हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं यूज करके हम डायरेक्ट बोल सकते हैं 2। बोलो यस और नो, जब 2 आ रहा है आंसर तो किसका डिवाइड करेगा, 2, यानी आपका आंसर क्या जाएगा, बॉम्बे। एक बार और समझा रहा हूं, इससे मुझे एन फैक्टर चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर बहुत आसानी से दिख रहा है, 1, 4 मोल कंज्यूम हो रहे, 4 से मल्टीप्लाई करा और 2 का डिवाइड कर दिया, इसका आ गया, तो आपको आंसर क्या दिखाई दे रहा है, 2, है ना, इजी। अगर आप इसी से निकालते तो यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है जल्दी बताइए, -2 +1, तो नेट कितना आएगा, -1, और यहाँ कितना आएगा, +1, तो +1, क्योंकि ये -2/2 तो +1, तो -1 से +1 आएगा, तो इनफेक्टर कितना आ रहा है, 2, 2 आ रहा है, तो वैसे ही हो गया। तो यहाँ आपके लिए आसान है बहुत ज्यादा। अब क्वेश्चन नंबर 5 को ही देखते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 में, एक सॉल्यूशन है रिएक्टेड विद दिस H2SO4, तो मेटल आयन का सॉल्यूशन है, ठीक है, और SO2 गैस इस तरह से निकाल रहा है, निकालने दीजिए हम कुछ भी नहीं कहेंगे उसको, SO2 इस तरह से चेंजेज हो रहा है। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल आयन वाज +3, मेटल आयन का +3 है, ठीक है, और द न्यू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल वुड बी, तो हमें कैसे भी करके मेटल का यहां पर क्या निकालना है, चेंज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, पहले वही मेटल का क्या होगा, एन फैक्टर होगा, नोट करें, एन फैक्टर ऑफ मेटल निकाल लो पहले। तो हमारे लिए एक तरह से क्या होगा, इक्विलेंट ऑफ मेटल इज इक्वल टू इक्विलेंट ऑफ SO2, दोनों बराबर होंगे। कोई मुझे बता सकता है SO2 की कंसंट्रेशंस क्या है, 20 ml मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1000। कुछ समझ में आया मैं क्या कर रहा हूं, मैंने क्या निकाल लिए, मोलरिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, मोल निकाल लिए। मोल निकालने के बाद वो मोल किसके आ रहे हैं, SO2 के, किसके आ रहे हैं, SO2 के, मुझे उसका एन फैक्टर मिल जाए तो कहीं से भी काम चल जाएगा। एन फैक्टर कैसे निकलेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हुआ है पूरी रिएक्शन में, 2,
दो इलेक्ट्रॉन, तो इस रिएक्शन का इसका मतलब एन फैक्टर क्या है? 2 ही है। आप खुद ही देख लो, इसने दो इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका क्या होगा एन फैक्टर? 2। या आप ऐसे भी देख सकते हो, ये +4 से किस में चेंज हुआ है? +6 में। तो एन फैक्टर कितना होगा इसका? 2। बहुत सारे तरीके हैं जिससे इसका एन फैक्टर बताया जा सकता है। ये क्या आए? ये इक्विलेंट से मोल निकल गए। अब आपके मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर, इक्विलेंट मोल से इक्विलेंट निकल गए, निकल गए इक्विलेंट से मोल, नहीं मोल से इक्विलेंट, जो भी है निकाल लिया आपने। अब इसके मोल कैसे निकालेंगे आप? आपको कुछ तो दिया होगा, इसके मोल दिए गए मेटल आयन के आपके पास 20 ml मल्टीप्लाई बाय 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर। ये 1000 1000 20 20 0.1 0.1, तो एन फैक्टर क्या आएगा इसका भी? 2। आ रही है बात समझ में? इसका भी एन फैक्टर क्या आएगा? 2। अब ये पहले किस किस में था? +3, तो अब किस में होगा? ये +1 में। तो आयरन का एन फैक्टर तभी होगा जब +1 से वो +3 में जा रहा होगा। इसका मतलब आंसर क्या जाएगा इसका? बॉम्बे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चंस, तो हम वापस करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन काफी इजी है। अब तो हमारी आदत हो गई इक्विलेंट को पकड़ना है हमें तेजी से। हाउ मेनी ml, मान लो vml। क्वेश्चन को करने का तरीका अब हमारा चेंज हो जाना चाहिए। मान लो vml 0.150 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि ml ने पूछा है, मोल आ गए इसके। और K2Cr2O7 हो या K2CrO4 हो, ये हमेशा Cr प्लस 3 में ही जाता है। किस में जाता है? Cr प्लस 3 में। तो बताओ यहां पर 4 2 8, 8 में से 2 गए 6 है, 6 है ऑक्सीडेशन, 6 से किस में जा रहा है? ये प्लस 3 में। n फैक्टर क्या होगा? 3। Na2CrO4 में 3, Na2CrO7 में 6 होता है n फैक्टर, फिक्स है। इसको बोलते हैं सोडियम क्रोमेट और उसको बोलते हैं सोडियम डाइक्रोमेट। तो सोडियम क्रोमेट में एन फैक्टर कितना है? फिक्स हो गया। कितना? 6, याद ही रख लो। सॉरी, कितना? 3। और सोडियम डाइक्रोमेट क्या फॉर्मूला होता है उसका? Na2Cr2O7। तो 7 2 14, बिल्कुल सही है। 7 2 14, 2 गए 12, 2 गए डिवाइड हुआ 6। तो आपके लिए ये एन फैक्टर फिक्स हो गया। जब भी सोडियम क्रोमेट दिया जाए 3, सोडियम डाइक्रोमेट दिया जाए 6। पक्का एन फैक्टर की बात कर रहा हूं। यहां ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, किसमें कन्वर्ट होती है? +3 में। तो यहां दोनों ही जगह +6 से +3 हो रही है, तो फिर यहां एन फैक्टर 3 और यहां 6 क्यों हो रहा है? क्योंकि यहां 2 क्रोमियम है। आ रही है बात समझ में? और यहां पर 1 क्रोमियम है। 1 क्रोमियम मल्टीप्लाई बाय 3, 2 क्रोमियम मल्टीप्लाई बाय 3, तो 6 हो जाएगा। तो दोनों का एन फैक्टर अलग अलग जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा। तो क्या ये लाइन में एक ही लाइन में ले जाऊंगा? हाँ, ये क्वेश्चन मेरे लिए विद इन 30 सेकेंड्स है। हाउ मेनी एम एल, मैंने ये लिखा, मोलरिटी लिखा, रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज दिस 40 ml, 40 ml, 40 डिवाइडेड बाय 1000, मोलरिटी 0.5। Na2S2O3 का एन फैक्टर मुझे नहीं मालूम था, मालूम ही नहीं है। तो क्या हम देख सकते हैं, हमें हेल्प कौन दे रहा है? देखिए ये दे रहा है। अच्छा एक और चीज है, बहुत अच्छी बात है, यहां पर क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर किस +6 से किस में चेंज हुआ है? +3 में दिया हुआ है हिंट। मैं पहले भी बोल रहा था +6 से किस में चेंज होता है? +3 में, लेकिन दिया हुआ भी है, नहीं दिया होता तो भी ध्यान रखना है। और यहां सल्फर किस में चेंज हुआ है सोच के देखो। यहां सल्फर एक तरह से H2O3-2, तो 3 2 6 उधर गया +4 यानी +2, +2 से किस में चेंज हुआ है? +6 में। तो एन फैक्टर कितना होगा? 4। 4 नहीं होगा, और ज्यादा होगा, क्योंकि 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8 होगा। क्लियर है? एक बार और मैं बता रहा हूं कैसे चेंज हो रहा है। यहां पर 3 2 6, 2 गए 4, 2 डिवाइडेड हुए 2, 2 से +2 से +6 4, एक सल्फर के लिए 4, दो सल्फर के लिए 8। क्लियर है? तो जब 8 में चेंज हो रहा है तो यहां एन फैक्टर क्या रहेगा? 8। अब ये डिवाइड हुआ, ये डिवाइड हुआ, अब मेरे पास कुल मिला के वी की वैल्यू क्या आएगी? ml, ये 0 भी गया, ये हटा दो, जो जो हट रहा है, तो ये 4
मल्टीप्लाई बाय 8 पंजे 40, ये 4 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, 15 मल्टीप्लाई बाय 3। अब एक सेकंड के लिए सोचो, 4 चौक 16 और ये 15, लगभग लगभग कट जाएगा, तो 1/3 आपके पास बचेगा, बचेगा या नहीं बचेगा? ओके, अब आप आगे कैसे करेंगे इसको सोचे जल्दी से बताएं। तो देखिए यहां पर ये 0.150 था, आपने 150 मान लिया था, ठीक है, इसका मतलब यहां पर क्या आएगा, 10 की पावर 3 भी रहेगा, समझ में आ रहा है? तो यहां 10 की पावर 3 रहेगा कंसेप्ट में, तो 1000/3 लगभग कितना आएगा, 355 ml आ जाएगा ये आंसर। बोलो क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ, बॉम्बे। तो ये हमारे पास कैलकुलेशंस रहा, और कैलकुलेशंस आप करने में माहिर हो। क्वेश्चन नंबर 7, क्या ये एक लाइन में कर सकते थे आप? हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 एक लाइन में उठाना है अपन को। नंबर ऑफ मोल्स इलेक्ट्रॉन टेकन अप व्हेन 1 मोल ऑफ NO3 आयन रिड्यूस टू 1 मोल दिस ऑफ NH2OH इज। अब यहां हमारे पास क्या दिक्कत आ रही है, यहां सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे को NO3 आयन रिड्यूस टू 1 मोल ऑफ दिस, यानी यहां ऑक्सीडेशन स्टेट आप जानते हो कितना है, +5। नाइट्रोजन वैसे भी +5 से ज्यादा नहीं देता, और नाइट्रेट के अंदर उसकी मैक्सिमम होती है +5, और यहां क्या है, थोड़ी देर पहले ही निकाला था आपने, -1। तो +5 से -1, बताइए आंसर क्या जाना चाहिए, एन फैक्टर कितना होगा, 6। इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर होगा, 6, और नाइट्रोजन में नाइट्रेट में नाइट्रोजन भी एक ही है, अगर दो होती तो आंसर क्या हो जाता, 12, लेकिन एक ही है तो आंसर क्या जाएगा आपका, 6। तो क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8, द नंबर ऑफ मोल्स थायोसल्फेट, ठीक है, थायोसल्फेट दैट विल बी रिड्यूस टू रिएक्ट कंप्लीटली विद 1 मोल ऑफ आयोडीन इन एल्कलाइन मीडियम। देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये रिएक्शन आप बहुत कॉमन है, Na2S2O3 आयोडीन के साथ रिएक्शन करते हैं, क्या बनाता है बेटा यहां पर, Na2S4O6 +2NaI बनता है, ये रिएक्शन आप याद ही रखोगे, थायोसल्फेट और आयोडीन, इसको आयोडीन की टाइट्रेशन के लिए यूज करता है, तो आयोडीन की टाइट्रेशन में यूज होने वाली रिएक्शन है, काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार्च को इसमें इंडिकेटर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए खैर वो अलग बात आ गया, यहां सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 2.5 या 2, 3 2 6 2, और यहां कितना है, 2.5। कोई मुझे बताए इसका एन फैक्टर क्या होगा, 2.5 2 से 2.5 0.5 का डिफरेंस आ रहा है, और 2 है तो इसका एन फैक्टर कितना होगा, 1, और आयोडीन कितना है, -1 से सॉरी 0 से -1 एक का, लेकिन 2 आयोडीन है, 2। अब ये तो आपके पास एन फैक्टर आ गया, एन फैक्टर आने के बाद तो क्वेश्चन और भी आसान हो गया, द नंबर ऑफ मोल्स, मान लो इसके मोल्स कितने यूज हो रहे हैं, एक्स, और एन फैक्टर कितना है, 1। आयोडीन के कितने मोल है, कोई बता सकता है, आयोडीन के 1 मोल ऑफ आयोडीन, इसका 1 मोल है और 2, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी से बताओ, 2 मोल, पक्का? तो आंसर आपका क्या होगा, 2 मोल होते ही, जल्दी बोलो, एक बार और चेक करो इसको, नंबर ऑफ मोल थायोसल्फेट दैट बी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ आयोडीन इन एल्कलाइन मीडियम, ठीक है, हमारे पास एल्कलाइन मीडियम में करना है, एन फैक्टर इसका कितना है हमारे पास, 1, एन फैक्टर 2, 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स, और यहां पर आयोडीन के हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स रिक्वायर्ड टू आयोडीन दिस इन एल्कलाइन मीडियम, करिए। देखिए एक और पॉइंट जो अपने पास आ रहा है, इसने क्या करा है, जनरली ये रिएक्शन होती है जो मैं बोल रहा हूं, इसलिए मेरा आंसर क्या आ रहा था, 2, जनरली होती है, लेकिन इसने कहा स्ट्रॉन्ग एल्कली होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एल्कली मीडियम में ये ऑक्सीडाइज हो रहा है अलग ही, और क्या बना रहा है, ये जो मैंने दिया है वो नहीं बना रहा है, इसने खुद ने मेंशन कर रखा है SO4-2 बन रहा है, तो SO4-2 जब बनेगा इस क्वेश्चन में, तो +2 से कितना जा रहा है, +6, कितना हुआ, +2 से +6 4, कितने सल्फर है 2, तो एन फैक्टर कितना हुआ, 8, तो यहां एन फैक्टर 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8 होगा, और ये जब 2 डिवाइडेड बाय 8 आएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 1/4, और आंसर क्या जाएगा, ए, आ रही है बात समझ में,
हाँ अगर ये नहीं देता इस तरह से गेट ऑक्सीडाइज, तो फिर आंसर क्या जाता, जो मैंने पहले बताया टू, वो बिल्कुल सही जाता। आप वही मानते जो बाय डिफॉल्ट होती है। हटा दूं मैं, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट, ठीक है, KHC2O4 दिया हुआ है, ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पैरा मैग्नेट आयन, इस तरह से दिया हुआ है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट। तो परमानेंट है पैरा में, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीलेट ऑक्सीडाइज्ड बाय 1 मोल ऑफ पर मैग्नेट है, पर मैग्नेट है, तो पर मैग्नेटेड का 1 मोल है, और पर मैग्नेट यानी KMnO4 का एन फैक्टर क्या होता है आप जानते हैं? 5। बार बार पढ़ रहे हैं, KMnO4 का एन फैक्टर कितना है? 5। K2Cr2O7 का कितना है? 6। K2Cr4 का कितना है? 3। तो ये याद रख लो, आप बार बार काम आ रहा है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू, इसके मोल मान लीजिए एक्स मोल कंज्यूम हुए, और यहां पर ऑक्सीडेशन होने पर आप ही बताइए कि क्या चेंजेज आ रहा होगा। चेंजेज आ रहा होगा कार्बन का, यहां ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है, यहां कितना है? एक तरह से देखा जाए तो यहां पर कार्बन ऑक्सीडाइज बाय 1 मोल ऑफ दिस, ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीलेट। अरे यार ये बहुत अजीब सा क्वेश्चन है कि कैसे निकालेंगे, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है आप खुद ही सोच लीजिए, 4 2 8 8 में से, 4 2 8 8 में से कितने गए? 2, 6 6 डिवाइडेड 3, 3 है, यहां पर भी 3 है, 3 है, तो 3 से किस में ऑक्सीडाइज हो सकता है मैक्सिमम? 4, 4 में हो सकता है। एक कार्बन के लिए कितना है? 1, 3 से 4 में 1, कितने कार्बन है? 2 इसमें है और 2 इसमें है, कितने हुए? 4। तो इस पूरे कंपाउंड का इन्फेक्टर कितना होगा? 4। क्या ये पूरा कंपाउंड एक ही है? हाँ, ये डॉट है, ये पूरा कंपाउंड एक है, तो इसका इन्फेक्टर क्या आ जाएगा? 4। और 4 अगर आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 5/4। चेक करें 5/4 ऑप्शन में है या नहीं है, सी ऑप्शन आ रही है बात समझ में? तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी, क्वेश्चन सारे एक ही लैंग्वेज में होंगे आप मान के चलें, बस अब आपको प्रैक्टिस कर रहे हो, कंसेप्ट तो आपका क्लियर ही है। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स आर देयर पर मोल ऑफ H2S इन ऑक्सीडाइज्ड टू दिस, ठीक है, इक्विवेलेंट पर मोल ऑफ H2S इन ऑक्सीडाइज, तो पर मोल यानी एक मोल है तो इक्विवेलेंट कितने होंगे? इक्विवेलेंट एन इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट क्या होता है? मोल मल्टीप्लाई बाय एन फैक्टर होता है या डिवाइड बाय एन फैक्टर होता है? मल्टीप्लाई बाय, तो मोल कितना दिया है उसने? 1 मोल। और एन फैक्टर कितना दिया हुआ है आप ही बताइए? H2S में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? -2। -2 से कहां जा रहा है? SO2 यानी +4 में, तो -2 से +4 यानी कितना हुआ? 6। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो आंसर क्या जाएगा? 6। आंसर गोस टू सी। नेक्स्ट, अच्छा है क्वेश्चन, कोई बहुत ज्यादा टफ नहीं है। 11 क्वेश्चन, 3 मोल ऑफ मिक्सचर ऑफ FeSO4 दिस दिस रिक्वायर्ड टू दिस सॉल्यूशन इन एसिड में, हैंस मोल फ्रैक्शन ऑफ FeSO4 इन द मिक्सचर इज, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपके पास मान लीजिए ये 3 मोल है FeSO4 और दिस, पक्का अच्छी बात है, तो KMnO4 ऑक्सीडेशन करता है, किसका करता है? Fe+2 का या Fe+3 का? Fe+2 का। क्यों Fe+2 का क्यों करता है? क्योंकि +2 तो +3 में चेंज हो सकती है, लेकिन +3 क्या +5 में चेंज हो सकती है? नहीं, तो इसका ऑक्सीडेशन तो वो करेगा ही नहीं, वो सिर्फ किसका करेगा? FeSO4 का। मान लो FeSO4 के कितने मोल है? मान लो एक्स मोल है, 3 मोल तो टोटल है, तो FeSO4 के कितने मान लिए? एक्स मोल। अब इसका इन्फेक्टर क्या रहेगा? 1, इससे ज्यादा चेंजेज होगा नहीं, +2 से +3। दूसरी तरफ KMnO4 के मोल कितने? जल्दी से बताइए, 100 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तो कितना हुआ? ये सब कट गया, 1, यानी x की वैल्यू कितनी है? 1, यानी इन 3 मोल्स में से FeSO4 के कितने हैं? कितने हैं? 1। और Fe2SO4 के कितने हैं? Fe2SO4 3 के कितने हैं? 2। तो उसने क्या पूछा है? इसका आंसर क्या जाएगा? 1/3। तो इजी है क्वेश्चन, बहुत आसान है। इसी क्वेश्चन को अगर एडवांस में पूछा जाता तो थोड़ा सा ये कह लेते कि इन दोनों मिक्सचर में Fe+2 आयन की कंसंट्रेशन क्या है, Fe+2 परसेंटेज वाइज कितना है आयरन में,
परसेंटेज वाइज, तो बताओ इसके कितने मोल है, एक, और इसके कितने, दो, तो टोटल आयरन के कितने मोल हुए, चार, तो दो दुए चार और एक पांच, पांच है, पांच में से एक, तो 1/5 कितना हुआ, 20%, तो 20% इसके अंदर क्या है, +2 में, और 80% क्या है इसमें, +3 में, और जल्दीबाजी में बच्चा क्या करेगा, 1/3 करेगा, यानी 33.33% मान लेगा। यही बच्चों को बेवकूफ बनाते हैं, कुछ समझ में आया है नहीं आया, बच्चों की भावनाओं के साथ खेलते हैं कभी कभी हम। करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और स्पीड थोड़ी बढ़ा लेते हैं, अब मैं आपको सिर्फ हिंट दूंगा आप करते जाना। इन द रिएक्शन 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर 1 मोल ऑफ HNO3, व्हाट एक्टेड ऑन ऑक्सीडेंट पोजीशंस दिस दिस दिस। तो एक सेकंड के लिए सोचिए, नाइट्रोजन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बताइए, HNO3 में +5, चार इलेक्ट्रॉन लेकर वो क्या बन जाएगा, +1, +1 किस में है, क्या इसमें NO2 में, नहीं N2O में, हाँ N2O में है +1, लेकिन उसके कितने बनेंगे, हाफ मोल, तो ये आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए, बी, क्लियर है। एक बार और चलिए, अगर एक बार और करना है तो पहले आप ये पहले क्वेश्चन देखिए, अब तो स्लो ही हो गया। HNO3 आपके पास एन फैक्टर मुझे क्या चाहिए, फिक्स है वो, एन फैक्टर मुझे कितना चाहिए, 4, बोलो यस और नो। HNO3 किस में चेंज होगा, N2O में, और नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो बस, पक्का, तो नाइट्रोजन को बैलेंस कर लो, यहां पर कितना है +5, यहां पर कितना है +1, क्या +5 से +1 में चेंज हो रहा है, एन फैक्टर 4 आएगा या नहीं आएगा, आएगा। ये 1/2 क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि नाइट्रोजन को बैलेंस करना है, तो मेरा आंसर होएगा हाफ मोल ऑफ N2O, बेस्ट है। अगर यहां कोई और ऑप्शन होता 1 मोल ऑफ N2O तो वो गलत होता, दिया नहीं है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, 1 मोल ऑफ N2H4, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन लूजेस 10 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म ए न्यू कंपाउंड वाई। तो N2H4 ध्यान से सुनना, कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, कोई भी, कितना कर रहा है, 10, तो एक सेकंड के लिए बताओ N2H4 10 कर रहा है, तो नाइट्रोजन कितने करेगा, 5, 5 करेगा, यहां पर कितनी है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, -2, अब 5 इलेक्ट्रॉन करके वो किस में जाएगा, +3 में, तो 2 + 3 वाला कौन सा कंपाउंड है जो पकड़ोगे आप, कोई भी, अब बताइए इसकी देयर इज नो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, तो अब वट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन वाई, इसकी क्या होगी, +3, +3 किस में होती है, N2O3 में, ये होगी रिएक्शन, आ रही है बात समझ में, तो आंसर क्या हो जाएगा, +3, सही है। एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, मैं ऊपर ला रहा हूं, ठीक है, 1 इक्विलेंट ऑफ सब्सटेंस इज द वेट ऑफ दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच इक्विलेंट टू दिस, अच्छी बात है, इक्विलेंट टू, अगर आपके पास, हाँ ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का एक इक्विलेंट का वेट क्या होगा, क्या होगा भाई, देखना पड़ेगा, इक्विलेंट वेट के बराबर है, यानी कि ग्राम इक्विलेंट बोल रहा है वो, ग्राम इक्विलेंट का मतलब इसके कितने हो गए, एक इक्विलेंट, सामने वाले के भी कितने होने चाहिए, एक इक्विलेंट। अब एक इक्विलेंट कब होंगे, ध्यान से सुनना, O2, O2 अगर हम बात करते हैं, O2, O2 का कितना होना चाहिए, एक इक्विलेंट होना चाहिए, तो O2 जनरली किस में चेंज होती है, O2 से O-2, तो बताओ इसका एन फैक्टर कितना है, इसका एन फैक्टर कितना है, 4, 0 से -2, तो इसका एन फैक्टर 4 है, तो इसके मुझे एक इक्विलेंट चाहिए, तो इसके मोल कितने चाहिए मुझे, इसके मोल होने चाहिए 1/4, और एन फैक्टर कितना है आपके पास, 4, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 इक्विलेंट आएगा या नहीं आएगा, तो इसका मतलब किसी भी सब्सटेंस के 1 ग्राम इक्विलेंट कब होंगे, जब वो 1/4 मोल ऑफ O2 के साथ रिएक्शन करे, यानी 0.25, करिए इसको। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस रिक्वायर रिड्यूसिंग एजेंट, बस ठीक है, तो आप ये बताइए कि यहां पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या दिख रही है, +6, +6 है, +6 में जा रही है, कोई चेंजेस चाहिए, नहीं है, बिल्कुल नहीं चाहिए, यहां कोई ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो ही नहीं रहा है। Br(3- से Br(O-), क्या यहां चीरेगा, हाँ, यहां Br(O3), यहां पर क्या है,
ऑब्वियसली प्लस फाइव है, और प्लस फाइव से किस में जा रहे हो आप, प्लस वन में। तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो हमारे को क्या चाहिए, रिक्वायर्स रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। बिल्कुल यहां चाहिए मेरे को, बिल्कुल रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए। अब यहां पर आर्सेनिक, यहां आर्सेनिक कितना है, देखिए 3 2 6, 2 गए तो 4, बिल्कुल सही है। क्या यहां पर जो भी है 4, यहां देखा जाए तो कितना, 4 2 8, 8, 8 में से 2 गए तो कितने हुए, 6, और ये 5। तो क्या यहां पर आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, हो रहा है, लेकिन यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं चाहिए, यहां पर आपको क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरी तरफ यहां पर एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, प्लस 3, बाद में भी कितनी है, प्लस 3, तो दोनों ही जगह प्लस 3 है, तो कोई चेंजेस नहीं, तो इसका आंसर क्या जाएगा, बी। अब क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन इज द रिएक्शन इन विच सेम एलिमेंट ऑफ सेम कंपाउंड ऑक्सीडाइज रिड्यूस बोथ। तो यहां पर अगर मैं पकड़ना चाहता हूं, तो मेरे पास दिख रहा है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर क्या दिख रही है, प्लस वन, प्लस वन से 0 भी जा रही है और प्लस 2 भी जा रही है, तो ये डिसप्रोपोर्शनल है, बाकी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, इसमें सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, और इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। आप देख लो कार्बन की पहले भी प्लस 4 थी, बार भी बाद में भी प्लस 4 है, तो कुल मिला के ये हमारे पास बहुत अच्छा पॉइंट हो गया। नेक्स्ट 17, इफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ KMnO4 K2Cr आर अलाउड टू ऑक्सीडाइज Fe प्लस 2 इन एसिडिक मीडियम, द अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्सीडाइज विल बी मोर बाय KMnO4 सॉल्यूशन, मोर बाय K2Cr2 सॉल्यूशन, इक्वल इन बोथ द केसेस, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब ये बताइए KMnO4 का एन फैक्टर कितना है, 5 5 है एन फैक्टर, और K2Cr2O7 का कितना है, 6। एन फैक्टर हमेशा मोड में बताया जाता है 6, तो एक बार बताइए किसका एन फैक्टर ज्यादा है, इसका, तो इसके इक्विवेलेंट भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो ज्यादा होंगे तो सामने वाले का ज्यादा ज्यादा मोल ऑक्सीडाइज कर पाएगा, तो मेरे हिसाब से आपका भी आंसर यही होना चाहिए, मोर बाय K2Cr2O7, आंसर बी 17 का, ठीक है। और किस रेशियो में जाएंगे, इसका 5:6 में, अगर रेशियो पूछा जाए, बच्चा जल्दीबाजी में कर सकता है गलती, कि बच्चा क्या सोचेगा मालूम है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है और इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है, +6, तो +7 ज्यादा आ रहा है, गलती यहां हो सकती है, यहां बच्चा ऐसे भी गलती से कर सकता है, +7 से +2 में तो कितना आया, 5, और यहां पर +6 से +3 में कितना आया, 3, तो वो गलती कर सकता है, लेकिन गलती सुधारी जा सकती है यहां पर, कि यहां भले ही 3 है लेकिन यहां क्रोमियम कितने हैं, 2 हैं। नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहां पर, इन द फॉलोइंग रिएक्शंस इक्विवेलेंट वेट ऑफ दिस इज रिएक्टेड बाय दिस एम, तो आप ही बताइए आर्सेनिक यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, आर्सेनिक की, और सल्फर की कितनी है, सल्फर की तो है यहां पर आर्सेनिक सल्फाइड है, आर्सेनिक की यहां पर कितनी है, +3, और सल्फर की यहां पर कितनी है, -2, तो आर्सेनिक +3 से किस में जा रहा है, +5 में, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2, इस केवल इसके लिए 2, और इसके लिए 2 × 2, क्योंकि +3 से +5 जा रहा है और आर्सेनिक यहां पर क्या है, 2, और यहां सल्फर -2 से किस में जा रहा है, -2 से सल्फेट में +6 में, तो कितना हुआ, 8, और सल्फर कितने है, 3, तो एन फैक्टर 8 × 3 कितना हुआ, 24, और यहां पर कितना है, 4, 4 और 24 कितना हुआ, 28, आंसर क्या जा रहा है, सी। बहुत अच्छा एग्जांपल है, करें इसको।